क्रिसमस पर्व के अवसर पर प्रभु यीशु को याद करते हुए मसीही समाज के लोगों ने क्राइस्ट चर्च शास्त्री चौक में रेवलैंड डी आर लाल के नेतृत्व में कैंडल लाइट निकाला और समाज को प्रभु यीशु के आगमन के प्रति सचेत किया। इस मौके पर चर्च में प्रार्थना भी किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रेवलैंड डी आर लाल ने कहा कि अंधकार पाप की ओर इंकित करता है और ज्योति निष्पाप और पवित्रता की ओर इंकित करता है। हम भी अपने जीवन में ऐसी ज्योति जलाएं जो दूसरे लोगों को प्रकाशमान कर सके, लोगों में जो पाप और बुराइयां हो उसे दूर किया जा सके। सारे गुमराह हो रहे थे, दुनिया गुनाह में। विश्व लिखा दौरान होगा प्रकाश हमारे हृदय में प्रकाश दिसंबर 25 नज़दीक आता है, तो इस दिसंबर महीने के पहले दिन से प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव, जिसे विश्व में क्रिसमस के नाम से भी जाना जाता है, उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और उसी कड़ी में बहुत पहला इतवार, दूसरा इतवार, तीसरा इतवार, चौथा इतवार को हम आमद का इतवार कहते हैं, यानी आगमन का रविवार। आगमन का रविवार वो होता है जिसे हम इस आशा के साथ मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार आज से 2018 वर्ष के लगभग पूर्व इस संसार में मनुष्य के रूप को धारण करके आए थे, उन्होंने वादा किया, आश्वासन दिया है कि जो कार्य था मानव जाति के उद्धार का, उसको क्रूस पर उन्होंने पूरा किया। लेकिन हम मानव जाति और सारी मानव जाति जो है उसके कार्यों का लेखा लेने के लिए, उनका न्याय करने के लिए उनका इस पृथ्वी पर पुनरागमन होगा। उस आगमन की तैयारी में हम इन रविवारों को मनाते हैं। और जो हमारा 25 दिसंबर है अर्थात क्रिसमस डे है, उसे हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। बहुत अच्छा उत्साह लोगों में रहता है, और हम केवल ईसाई समाज ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, ख़ासतौर से हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश में हर जाति के लोग इसे विशेष तौर से शहरों में बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। जैसे कि प्रत्येक त्यौहार मनाए जाते हैं, त्यौहारों में आनंद का बांटना, खुशियां बांटना और केक काटा जाना, केक खिलाना, मिठाइयां खिलाना, ये तो हम लोग करते हैं। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है क्रिसमस मनाने का, वो हमें ये करते हैं कि जो यीशु मसीह ने एक मनुष्य के रूप में इस जन्म लेके जो उन्होंने उपदेश हमें दिए हैं, जो उन्होंने अपने जीवन के द्वारा ऐसी बातें जो जिनसे ज्योति प्रकट होती है, जिनसे आपस में प्रेम, क्षमा, सौहार्द का वातावरण कायम होता है, उन उपदेशों को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में करके दिखाए हैं, ये क्रिसमस ऐसा दिन होता है कि इन तैयारी के दिनों में और क्रिसमस डे में भी हमें उस खुशियों को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण तक को दूसरों के लिए दे दिया, उस चीज़ को हमें मनाना है।
हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो उसके हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है, और हम स्वयं को अपने अच्छे कार्यों के द्वारा तैयार करते हैं ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन हो इस संसार में तो हम सब तैयार पाए जाएँ, उनके साथ स्वर्गीय स्थानों में जा सकें। अभी कैंडल मार्च निकाले थे क्या? अभी जो हमारा कैंडल मार्च है, देखिए कैंडल यानी ज्योति या प्रकाश जो है वो इस बात का प्रमाण है कि अंधकार को हम पर्याय कहते हैं, पाप का, बुराइयों का, वहीं पर हम ज्योति को या प्रकाश को अच्छाइयों का प्रतीक मानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब इस संसार में थे, उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में बोला है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और उन्होंने ये भी कहा साथ ही साथ तुम जगत की ज्योति हो। तुम का एड्रेस उन्होंने सारे मनुष्य जाति के लिए किया है, उन्होंने ये अर्थात उसका मतलब ये हुआ कि वो जगत की ज्योति हैं जिनके जीवन से प्रकाश निकल रहा है, अच्छाइयाँ निकल रही हैं, क्षमा प्रेम आपसी निकल रहा है, उसी का अनुसरण करते हुए हमें भी अपने जीवन को ज्योतिर्मय करना है। और जिस प्रकार ज्योतियाँ जो हैं वो ऊँचे स्थान पर रखी जाती हैं ताकि उससे सारा स्थान, चाहे वो घर हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे कुछ भी जगह हो, वो सारा प्रकाशमान होता है। इसलिए हम इस देश में और अपने स्थानों में अपने जीवनों से, अपने जीवनों के अच्छे कार्यों से हमें उस ज्योति को अच्छाइयों के द्वारा दूसरों के समक्ष प्रदर्शित करना है ताकि हमारे समाज के सारे अन्य लोग भी जो हैं और हमारे देश के सारे अन्य लोग भी जो हैं वो हमारी अच्छाइयों को देख के, उन अच्छाइयों को अपने जीवन में प्रकट करके एक प्रकाशमान, प्रकाशित जीवन को जिएं।